ज्ञान मंथन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और आज हम आपको अपने इस वीडियो में बताएंगे अरावन देवता कौन है जिनसे होती है किन्नरों की शादी। दोस्तों, हमारे देश में तमिलनाडु राज्य के एक देवता अरावन की पूजा की जाती है। कई जगह इन्हें इरावन के नाम से भी जाना जाता है। अरावन हिजड़ों के देवता हैं, इसलिए दक्षिण भारत में किन्नरों को अरावनी कहा जाता है। किन्नरों और अरावन देवता के संबंध में सबसे अचरज वाली बात यह है कि किन्नर अपने आराध्य देव अरावन से साल में एक बार विवाह करते हैं। हालांकि वह विवाह मात्र एक दिन के लिए होता है, अगले दिन अरावन देवता की मौत के साथ उनका वैवाहिक जीवन खत्म हो जाता है। अब सवाल यह उठता है कि अरावन देवता हैं कौन, हिजड़े उनसे शादी क्यों रचाते हैं और यह शादी मात्र एक दिन के लिए ही क्यों होती है। इन सभी प्रश्नों के उत्तर हम बताने वाले हैं अपनी इस वीडियो में। तो चलिए बतलाते हैं इस रहस्य के बारे में। दोस्तों, पहले आप सबको बतलाते हैं कि अरावन देवता हैं कौन। दोस्तों, महाभारत की कथा के अनुसार एक बार अर्जुन को द्रौपदी से शादी की एक शर्त के उल्लंघन के कारण इंद्रप्रस्थ से निष्कासित करके एक साल की तीर्थ यात्रा पर भेजा जाता है। वहां से निकलने के बाद अर्जुन उत्तर पूर्व भारत में जाते हैं, जहां की उनकी मुलाकात एक विधवा नाग राजकुमारी उलूपी से होती है। दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और दोनों विवाह कर लेते हैं। विवाह के कुछ समय पश्चात उलूपी एक पुत्र को जन्म देती है, जिसका नाम अरावन रखा जाता है। पुत्र जन्म के पश्चात अर्जुन उन दोनों को वहीं छोड़कर अपने आगे की यात्रा पर निकल जाते हैं। अरावन नागलोक में अपनी माँ के साथ ही रहते हैं। युवा होने पर वो नागलोक को छोड़कर अपने पिता के पास आते हैं। तब कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध चल रहा होता है, इसलिए अर्जुन उन्हें युद्ध करने के लिए रणभूमि में भेज देते हैं। महाभारत के युद्ध में एक समय ऐसा आता है जब पांडवों को अपनी जीत के लिए मां काली के चरणों में स्वैच्छिक नरबलि हेतु एक राजकुमार की जरूरत पड़ती है। जब कोई भी राजकुमार आगे नहीं आता तो अरावन खुद को स्वैच्छिक नरबलि हेतु प्रस्तुत करते हैं, लेकिन वो शर्त रखते हैं कि वो अविवाहित नहीं मरेंगे। इस शर्त के कारण बड़ा संकट उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि कोई भी राजा यह जानते हुए कि अगले दिन उसकी बेटी विधवा हो जाएगी, अरावन से अपनी बेटी की के लिए तैयार नहीं होते हैं। जब कोई रास्ता नहीं बचता है तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं को मोहिनी रूप में बदलकर अरावन से शादी करते हैं। अगले दिन अरावन स्वयं अपने हाथों से अपना शीश मां काली के चरणों में अर्पित कर देते हैं। अरावन की मृत्यु के पश्चात श्री कृष्ण उसी मोहिनी के रूप में काफी देर तक उसकी मृत्यु का विलाप भी करते हैं। अब चूंकि श्री कृष्ण पुरुष होते हुए स्त्री का रूप में अरावन से शादी रचाते हैं, इसलिए किन्नर जो कि स्त्री रूप में पुरुष माने जाते हैं, वो भी अरावन देवता से एक रात के लिए ही शादी रचाते हैं और उन्हें अपना आराध्य देव मानते हैं। अब आपको बतलाते हैं तमिलनाडु में स्थित भगवान अरावन देवता के मंदिर के बारे में। दोस्तों, वैसे तो तमिलनाडु के कई हिस्सों में भगवान अरावन के मंदिर बन चुके हैं, पर इनका सबसे प्राचीन और मुख्य मंदिर बिल्लुपुरम जिले में कुबगम गांव में है, जो कि कुंठडावर टेम्पल के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर में भगवान अरावन के केवल शीश की पूजा की जाती है, ठीक वैसे ही जैसे राजस्थान में खांडू श्याम जी में बर्बरी के शीश की पूजा की जाती है। तो आशा करता हूँ आप सबको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर जो इस चैनल पर दी गई जानकारी आपको पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो के बारे में कमेंट कीजिए कि आपको यह कैसा लगता है, और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।